डेटा क्या है और क्या इसका कोई भौतिक स्वरूप भी है? डेटा से हमारा मतलब जानकारी से होता है। प्राचीन सभ्यताओं में भी डेटा होता था। मिस्र के मंदिर चित्रलेखों से भरे हुए हैं। पत्थरों पर उकेरे गए इन विचित्र चिन्हों में प्रमुख घटनाओं और पौराणिक कथाओं का जिक्र है जो इतिहास को बताते हैं। एनालॉग वर्ल्ड में डेटा को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए संख्याओं और अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। यही डेटा का काम भी है, लेकिन ये तभी काम करता है जब इसका मतलब भी पता हो। फिर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं जिनकी मदद से किसी भी चीज के बारे में बताया जा सकता है। कुछ अक्षरों, शब्दों, संख्याओं और चिन्हों की मदद से विज्ञान की जटिल प्रक्रियाओं को भी आसानी से समझा जा सकता है। एनालॉग दुनिया की किसी भी जानकारी को कंप्यूटर एक साधारण फॉर्म यानी शून्य और एक के एक नियमित क्रम में स्टोर करता है। जब हम चौक या इंक से कुछ लिखते हैं तो हमारी लिखावट का एक हिस्सा स्लेट या कागज पर लगा रह जाता है। एनालॉग दुनिया में डेटा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा इन पत्थरों के स्तंभों पर, और अगर इन स्तंभों को हटा लिया जाए तो इन पर लिखा डेटा भी खत्म हो जाएगा। और कंप्यूटर में ये कैसे काम करता है? कंप्यूटर में लगे अलग अलग डिवाइस इस डेटा को सिर्फ दो फॉर्म यानी ऑन और ऑफ या शून्य और एक ही फॉर्म में सुरक्षित रखते हैं। इस डिजिटल डाटा को भी ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल डाटा कैरियर की जरूरत होती है। इसे केबल और तारों की मदद से प्रकाश की गति से भेजा जा सकता है। सैटेलाइट बिना किसी केबल के भी डाटा भेजते हैं। इनके पास एक दूसरा कैरियर होता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें। लेकिन इस डेटा को सुरक्षित करने के लिए इसे सेव करके रखना जरूरी है, और ये फिजिकल डेटा कैरियर जैसे सर्वर और बड़े डेटा स्टोरेज संयंत्रों में होता है।